से पड़े रहते हैं और हम इनको वैक्सीन भी नहीं करते दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग, खैरियत से होंगे दोस्तों। दोस्तों आज मेरे कंट्रोल शेड की पहली वैक्सीन है और ये वैक्सीन मैं पाँचवें दिन करवा रहा हूँ दोस्तों। तो चलो आप लोगों को वैक्सीन दिखाते हैं कि हम कैसे वैक्सीन करते हैं इसको। दोस्तों ये लाइनें वॉश हो चुकी हैं, अब देख सकते हैं आप लोग। तो अभी इंशाल्लाह हम इसमें वैक्सीन डालेंगे दोस्तों। लाइनें वॉश करना दोस्तों इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें मेडिसिन वगैरह जो चलता है वो खाली करवाना पड़ता है उसको। अगर कुछ पानी वगैरह इसके अंदर रह गई तो इसको बिल्कुल टैंकी को इसको ठीक ठाक वॉश करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों शुरू वाले तीन दिन तक हम एंटीबायोटिक जो चलाते हैं वैक्सीन करने से पहले 24 घंटे से पहले आप लोगों को एंटीबायोटिक बंद करनी पड़ेगी क्योंकि फिर ऐसा असर नहीं दिखाएगा, मज़ा नहीं करेगा। अभी आप लोग माशाल्लाह मेरा खीबा देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों हम इसको आधा घंटा प्यासा रख के फिर इसमें हम वैक्सीन चलाएंगे। दोस्तों ये पानी है हमारा, ये ज़्यादा हमने थोड़ा ठंडा करवाया था ताकि हम इसी में वैक्सीन मिलाएंगे। और ये दोस्तों वैक्सीन आ चुका है हमारा, ये भी अभी बर्फ है इसके अंदर, देखेंगे ये है दोस्तों। ये दोस्तों अभी हमने लगा दिया अपना वैक्सीन, एक फार्म का भी चलते हैं इसको टैंकी में लगाते हैं। दोस्तों अभी ये हमारा वैक्सीन लग गई टैंकी पे, अभी हम ये लगा रहे हैं एक वैक्सीन के साथ, हम चलाते हैं इसको। उस वैक्सीन के साथ कुछ दोस्त दूध भी चलाते हैं लेकिन हम ये चीज़ चला रहे हैं अभी, आप उसको दिखा रहे हैं अभी। ये अब दोस्तों ये भी हमने लगा दिया, अब चलते हैं नीचे वाल खोलते हैं। ये अभी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं ये वैक्सीन का पानी आ चुका है, अभी जो है लड़के चक्कर भी लगा देंगे अंदर और फीड भी लगाएंगे ताकि जितना जल्दी हो सके ये पानी वैक्सीन वाला ख़त्म हो। और सारों को इस तरह उठाते जाएंगे साइडों से ताकि हर चूज़ा पानी पी ले, ये वैक्सीन वाला पानी है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं वहाँ पे बैठा था तो यहाँ पे ये पूरे लाइन पे ऐसे लग चुके हैं, यहाँ पे लड़ाई करके एक दूसरे से यहाँ पानी पी रहे हैं दोस्तों। अभी हमारी वैक्सीन वाला पानी तो चल रहा है माशाल्लाह, ये अगर आप लोग देख सकते हो तो पूरे चूज़ा हमारा ये अभी पानी पी रहा है और लड़के दोनों अंदर लगा चक्कर भी लगा रहे हैं ताकि हर चूज़ा उठ के पानी पिए वैक्सीन वाला। दोस्तों कभी कभी हमारी नज़र इसमें नहीं जाती है, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाऊँ, ये जो पड़े हैं ना यहाँ पर ये वैसे के वैसे पड़े रहते हैं और हम इनको वैक्सीन भी नहीं करते दोस्तों। अब ये तो बचेंगे भी नहीं क्योंकि इसमें अभी तक आप लोग ये देख सकते हो तो इसमें सांस है, ये तो मर चुका है, इसमें है सांस। अगर यहाँ पे देखोगे ये दोस्तों, अब ये कुछ फार्म वाले क्या करते हैं, अब ये इस पूरे फिलाक में इसे तड़पते रहते हैं। अभी मैंने लड़कों को बोला इनको सुबह क्लिंग करके फेंक देना है क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर पड़े रह के इनको अगर हम वैक्सीन ना पिलाएँ तो कभी कभी ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं हमारे लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।